हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी एंड मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं पावर टूल्स के हजार्ड क्या है तथा उसके प्रिकॉशन क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पावर टूल्स क्या है। तो पावर टूल्स यानी कि जो भी टूल्स आप काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें यदि इलेक्ट्रिक का सप्लाई दिया जाता है तो उसे पावर टूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, वुड कटर मशीन, वेल्डिंग मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं पावर टूल्स के हजार्ड क्या हैं। तो दोस्तों, यदि आप पावर टूल्स यूज कर रहे हैं और उसमें यदि इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया गया है तो यह जाहिर सी बात है कि वहां इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है, फायर एक्सपोजर का खतरा है, स्पार्क का खतरा है, कट इंजुरी। जब भी आप पावर टूल्स यूज कर रहे हैं तो कट इंजुरी होने की चांस ज़्यादा होती है। बर्न इंजुरी, मान लीजिए आप ग्राइंडिंग मशीन चला रहे हैं और उसका स्पार्क आपके ऊपर गिर जाता है तो वह बर्न इंजुरी हो सकता है। नेक्स्ट है नॉइस। जब भी आप कोई पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नॉइस ज़्यादा होता है। वाइब्रेशन, तो दोस्तों पावर टूल्स के हजार्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पावर टूल्स के प्रिकॉशन क्या क्या है वो जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी आप पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह इंश्योर करना होगा कि जो पावर का सप्लाई है वह 120 वोल्ट की होनी चाहिए और उसमें जो भी पावर सप्लाई हो रहा है उसके लिए 30 मिली एम्पियर की LCB होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी आप पावर टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डेड मैन स्विच होना चाहिए। नेक्स्ट है, उस मशीन का गार्ड भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, जिस एरिया में आपको पावर टूल्स का इस्तेमाल करना है वहाँ पर कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए तथा उसके साथ ही साथ फ्लेमेबल भी मटेरियल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि मान लीजिए आप ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पास जो व्हील है या डिस्क है उसका RPM मतलब रोटेशन पर मिनट जो है वह मशीन के RPM से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी आप पावर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह स्पार्क कंटेनमेंट होनी चाहिए, यानी कि जो भी स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए आपको कवर करना है ताकि जो भी स्पार्क है वह बाहर ना जा सके। नेक्स्ट है, जब भी आप वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और वेल्डिंग करते हैं तो जो वेल्डिंग का स्पार्क प्रोड्यूस होता है उसके लिए आपको वेल्डिंग बूथ बनाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, जो भी आप पावर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और साथ ही साथ फायर ब्लैंकेट भी होना चाहिए और उसको हैंडल करने के लिए फायर वाचर भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी पर्सन पावर टूल्स का इस्तेमाल करता है या कर रहा है तो उसके लिए डबल आई प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए वह ग्राइंडिंग का वर्क कर रहा है तो उसे सेफ्टी गोगल तो लगाना ही है, साथ ही में फेस शील्ड का भी उपयोग करना है। नेक्स्ट है, जब भी आप पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास लेदर ग्लव्स होना चाहिए तथा लेदर एप्रोन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी आप पावर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मान लीजिए नॉइस लेवल ज़्यादा है तो उसके लिए आपको दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए आपको एयर प्लग या एयर मफ का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है, यदि मान लीजिए कोई काम लॉन्ग ड्यूरेशन का है या ज़्यादा समय का है उस वक्त उस पर्सन को जॉब ड्यूरेशन कंटिन्यू करते रहना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको पावर टूल्स के हजार तथा उसके प्रिकॉशन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।